दोनों साइड पे हमने एनेस्थेटिक क्रीम लगाया था, एक साइड से पहले हम एनेस्थेटिक क्रीम निकाल रहे हैं। एनेस्थेटिक क्रीम से क्या होता है कि स्किन जो है वो नम हो जाता है, सो देयर इज नो पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, बिकॉज हमें चाहिए कि ये प्रोसीजर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए क्लाइंट के लिए, एंड इसको हम प्री नंबिंग बोलते हैं। वी ऑल्सो यूज समथिंग कॉल्ड अ सेकेंडरी एनेस्थेटिक, जो आफ्टर ओपनिंग अप द स्किन हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर हल्का सा भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, देन ऑल्सो उसका सोल्यूशन है हमारे पास, जिसको हम सेकेंडरी नंबिंग बताते हैं। सो ये जो माइक्रोब्लेड है उसको हमने होल्डर में लोड कर दिया है, एंड वी हैव द डार्क ब्राउन पिगमेंट रेडी विथ अस। सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अ पेस्ट लाइक डार्क ब्राउन पिगमेंट, स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करके। इसमें हम एक क्विक मेथड ऑफ मैपिंग करेंगे। नॉर्मली हम लोग मैपिंग प्रोसीजर से पहले करके एक बार क्लाइंट को दिखा देते हैं। इसमें हम लोग एक क्विक मेथड ऑफ मैपिंग करेंगे जहाँ पे हमें एक प्राइमरी उनका शेप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे उनके कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर है जो हम निकाल देंगे लास्ट में। जैसे मैंने बताया था इनका शेप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, उसी को हम अच्छे से एक बार एनहांस कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ कॉम्बिनेशन ब्रो, जहाँ पे हम इस पोर्शन में माइक्रोब्लेडिंग करेंगे और बाकी एरिया में मशीन वर्क करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द माइक्रोब्लेडिंग स्ट्रोक्स।